आज की जो बात बता रहा हूँ कि हमारी वार्डरोब कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि हम दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, इस दोनों के कोण को जहां मिलने के स्थान है उस जगह को कहते हैं नैऋत्य कोण। इस नैऋत्य कोण में आपके लिए अलमारी बनाने का सबसे बढ़िया जगह है दोस्तों। और उसके बाद आप अलमारी बनाना चाहते हैं तो आप पश्चिम दिशा में बनाइए। आप किचन की अलमारी या वार्डरोब ऐसा कुछ सामान रखने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप आग्नेय कोण के अंदर बना सकते हैं, दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर जो है वहां बना सकते हैं। अब आप कहां नहीं बना सकते हैं तो आप याद रखिए कि आप ईशान कोण के अंदर ऐसी कोई भी गलती आप नहीं करें। देखो, आप जब अलमारी बनाओगे तो उसमें सामान भी रखोगे। तो मेरी ऐसी बहुत सारी वास्तु विषय में मैंने देखा था। एक बार तो मैं गया था एक किसी सज्जन के यहाँ, तो उनके यहाँ मैंने देखा कि खूब सारा, मैंने उनकी वार्डरोब और अलमारी देखी तो मैंने देखा उसकी अलमारी में खूब सारे सामान पड़े हैं, मतलब पुराने जमाने के वो जो कैसेट चलते थे रिकॉर्डिंग के, LPs पड़ी है खूब सारी, बच्चों के खिलौने पड़े हैं और मतलब इतनी सारी बेकार और इतना कबाड़ पड़ा है। मैंने उनको देखा, भाई ये क्या चीज़ पड़ी है आपके यहाँ पे? तो बोले ये हमारे यादें हैं, इन यादों को हमने संभाल कर रखा है। अरे भाई, यादों को संभाल कर रखा है, आप कुछ चीज़ों को, कुछ सामान को आप रख लीजिए, अब जमाने के साथ बढ़िए, अब संगीत के या दूसरे सारे चीज़ों के खूब सारे आपके पास आ गए। और उसमें उस नैऋत्य कोण में अलमारी बना रखी थी, वहाँ पे सब कुछ था लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी को तो आपने वहाँ पे बना ही रखा था। हाँ, उसके बाद क्या आपको फायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसको खूब समझाया, समझाने के बाद में उसके समझ में आई कि ठीक है, मुझे अपने घर का कबाड़ और कुछ ऐसी चीजें जो गैर जरूरी है आपके पूरे जीवन काल में काम नहीं आएगी, वो कैसेट्स क्या काम आएगी, वो टेप रिकॉर्डर जो आपके घर में पड़ा है, वो TV बड़ा सा, वो पुराने जमाने के कंप्यूटर, इतना बड़ा वो लंबा सा कंप्यूटर, वो आपके क्या काम आएगा? आने वाले समय में वो तो हाईटेक होने वाले हैं। तो आप जमाने के साथ जुड़ोगे और तो धीरे 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 आप इसको खत्म कीजिए और उसकी जगह पर आप अच्छी आपकी जो वार्डरोब, देखो मैं जब आपको जो बात स्टोर रूम का जब कह रहा हूँ तो उसमें भी वार्डरोब शामिल है, आप इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप वार्डरोब कहाँ कहाँ बना सकते हैं? वार्डरोब आप, मैंने आपको बता दिया ये चार जोन जहाँ पे आप वार्डरोब बना सकते हैं पश्चिम से। अब बात हो गई आपके, एक पूछा मुझे कि हमारे तो ईशान कोण के अंदर वार्डरोब बन गए, अब ईशान कोण के वार्डरोब को हम क्या करें? तो आप घबराइए नहीं, मेरे साथ आप यदि जुड़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि बिना तोड़फोड़ का वास्तु आप मेरे साथ ऐसे यदि आगे आने वाले 30-35 वीडियो के अंदर जुड़ते रहेंगे ना, मैं तो आपको कहता हूँ आपको वास्तु की इतनी जानकारी स्वयं को हो जाएगी कि आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे। और बड़ी सहज और सरल तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लिष्टता मेरे पास इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये आम व्यक्ति जो है ना वो वास्तु के साथ जुड़े, अपने घर को संयमित करे, उसके लिए ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप खर्चा कीजिए। लेकिन अब आपने ईशान कोण के अंदर बना ली वार्डरोब, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई हटाना नहीं है, कोई उसको तोड़ना नहीं है, आप उसमें अपने कपड़े रखिए, आप अपने उसमें कपड़े रखिए, बच्चों की बुक्स रखिए, आप देखिए कोई वो नुकसान नहीं करेगी, वो वहीं पे फायदा करना शुरू कर देगी। इसी प्रकार जब आप स्टोर रूम बनाते हैं नैऋत्य कोण के अंदर तो आप उस नैऋत्य कोण के स्टोर के अंदर आप अपने जो ये बोलते हैं जो सामान होते हैं, गहने होते हैं, जमीन के कागजात होते हैं, वो सब रखिए। लेकिन ईशान कोण के अंदर आपको जमीन के कागजात, कोर्ट केस की फाइलें, वहां पे पैसा, ये सब कुछ भी नहीं रखना। ये कुछ विशेष चीजें होती है, वो आपको बस ध्यान रखने की बात है और ऐसा उसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं है। बात ये अब आपको बता रहा हूँ कि यदि आपकी वाइव अकाउंट के अंदर वार्डरोब बन गया, कोई बात नहीं है, वाइव अकाउंट में बन गए वार्डरोब वाइव अकाउंट में हम बना सकते हैं। लेकिन कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि ऐसा सब नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ आप कर लो, ये मेरा ये अनुभव है, मैंने ये किया है, मैंने अनेक जगहों पे ये देखा है आप, लेकिन उस जगह को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लो आप। यदि आपने वहां पैसा रख दिया, आपने वहां पे जमीन के कागजात रख दिए तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार अब आप, मैं जैसे कहता हूं आपको कि आपका जैसे प्लॉट है उत्तर दिशा का, पश्चिम दिशा का, पूर्व दिशा का, कोई सा भी दिशा का, चारों दिशाओं में से विदिशा प्लॉट है तो भी आप घबराओ मत। जिस जगह पे मैं आपको बता रहा हूं उस जगह पे आप मेरे से लगातार जुड़ के मेरे से ये पता करो, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे कोई भी बात लिखो, मैं देर सवेर उसका जवाब देता हूँ आप सब लोगों को। वो मैं इसलिए देता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे जो दर्शक है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो बिना तोड़फोड़ के वास्तु के प्रेफरेंस को देख के भी जुड़े हुए हैं।
दोस्तों। इस प्रकार किचन के अंदर वार्डरोब बनाओ, जब किचन के अंदर वार्डरोब बनाओगे तो उसमें आप क्या रख सकते हो, किचन का सामान रख सकते हो, लेकिन वहां पे भी आपको पैसा नहीं रखना, पैसा तो आपको नृत्य गौण में रखना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था लिक्विड मनी के लिए एक जगह बताई थी, वहां पे आप एक अलमारी बना सकते हो। तो इस प्रकार यदि आप सभी जगह पे, देखो मैंने घर के हर जोन में आपको हर जगह पे आपको अलमारी बनाने की छूट दी है, जहां क्या सामान रखना है क्या नहीं रखना है। आपको यदि और कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आप मेरे आने वाली वीडियो मेरे साथ जुड़िए रहिए, मैं राजेश। आपको एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, आप यदि अपने उत्तर दिशा, जो उत्तर दिशा का जोन है, वहां पर कभी भी ऐसी कुछ भी नकारात्मक वस्तुएं मत रखिए। आप अपने घर में कभी कबाड़ को मत रखिए, जैसे पुराने अखबार है, लोग पुरानी पुरानी किताबें हैं, दसवीं की किताब, छठी की किताब, पांचवी किताब में पड़ी है, खूब सारी पड़ी, आप मत रखिए वहां पे। ये मेरी एक आप सभी लोगों से, मेरे दर्शकों से ये विनती है, आप अपने घर से उसको निकाल दीजिए। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार में अपने दोस्तों को भेजिए। और मैं राजेश व्यास ऐसे ही आपको वास्तु के नई नई वीडियो की जानकारी देते रहूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।